नमस्कार दोस्तों, वेलकम एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेवे। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान पुलिस फॉर्म अप्लाई प्रोसेसिंग। राजस्थान पुलिस फॉर्म को अप्लाई कैसे करें, आज हम विस्तृत रूप से जानकारी देंगे कि राजस्थान पुलिस फॉर्म कैसे भरा जा सकता है। तो हम सबसे पहले आते हैं, हम अपने विंडो को ओपन करेंगे। विंडो को ओपन करने के बाद में हम ब्राउज़र चूज़ करेंगे। ब्राउज़र चूज़ करने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ब्राउज़र में हम SSO सर्च करेंगे। SSO सर्च करने के बाद में हमें राजस्थान सिंगल साइन ऑन नज़र आ जाएगा, हम उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमें लॉगिन करना पड़ेगा SSO को। लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, जो सभी विद्यार्थियों के बने हुए हैं। हमें यूज़र नेम पासवर्ड डालने लॉगिन करने के लिए हमें जो भी यूज़र नेम है हम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में हमें SSO की विंडो ओपन हो जाएगी। SSO की विंडो ओपन होने के बाद में हमें रिक्वायरमेंट स्टेप टू नज़र आएगा। रिक्वायरमेंट स्टेप टू में हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमें आगे चलना है। आगे चलने के बाद में यहाँ तीन ऑप्शन होंगे, माय एप्लीकेशन, नोटिफिकेशन, ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट। ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट में नोटिफिकेशन मतलब रहेगा, रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल 2019। यहाँ अप्लाई ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ हमें अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद में हमें जो विंडो खुलेगी, अब इसमें कौन सी पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, कॉन्स्टेबल जनरल नॉन TSP, कॉन्स्टेबल जनरल TSP, कॉन्स्टेबल ड्राइवर नॉन TSP, कॉन्स्टेबल ड्राइवर TCP। तो हम यहाँ चूज़ कर रहे हैं कॉन्स्टेबल जनरल नॉन TCP। ये सेलेक्ट करने के बाद में अगली विंडो खुलेगी हमारे पास, बेसिक डिटेल्स। हमें इस फॉर्म अप्लाई करने के लिए हमें बेसिक डिटेल्स डालनी पड़ेगी। अब बेसिक डिटेल्स में क्या मांगता है, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर और जन्म तिथि और एज। कैटेगरी, हमें इसमें कैटेगरी भी डालनी पड़ेगी, आप कौन सी कैटेगरी से चाहते हैं, जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, SBC आते हैं। फिर हम आगे अगर हमारी कैटेगरी जनरल है तो जनरल डालने के बाद में EWS अगर हमारा बना हुआ है तो यस, यदि नहीं बना हुआ तो नो, धर्म है तो हम यहाँ डाल देंगे। अब देखो, एम श्रेणी कैटेगरी आएगी, कैटेगरी इसमें दे रखा है जनरल, MBC, MBC नॉन क्रिमिनल, OBC क्रिमिन, OBC नॉन क्रिमिनल, SC ST। तो हम जनरल सेलेक्ट कर रहे हैं। जनरल सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ मांग रहा है EWS, यस या नो।
तो हम इसके पास में EWS है, तो इसको यस कर दिया। हम यहाँ धर्म डाल देते हैं, हिंदू ईसाई। अब आगे चलते हैं। इसमें कैटेगरी जनरल आ गई, EWS यस आ गया, धर्म आ गया हिंदू। अब वैवाहिक स्थिति, अगर सिंगल है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मैरिड है, मैरिड होने की पर जीवित बालिक बालिका की संख्या 1 जून 2002 से पहले और बाद में पैदा हुए कुल, मतलब यहाँ जो दिख रहा है 00, यहाँ पर अगर 2002 से 1 जून 2002 से पहले की कितनी संख्या है, अगर एक है तो एक, या 2002 के बाद में एक है तो दो, तो कुल मिला के दो हो गए। अगर नहीं है तो शून्य शून्य डाल सकते हैं। अब आगे मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ईमेल आईडी आ गई, आधार आईडी है तो आधार आईडी डाल दीजिए, भामाशाह आईडी आ गई। अब हमें अप्लाइंग फॉर आवेदन, मतलब हम कौन से डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म लगा रहे हैं, हम किसी डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हो, परंतु हम जो चूज़ कर रहे हैं कि हम कौन से डिस्ट्रिक्ट में हमने फॉर्म लगाना है। अब जैसे हमने देख लिया, अजमेर आ गया, बरन आ गया, बाड़मेर आ गया, भीलवाड़ा आ गया, भिवाड़ी, बीकानेर, हम इनमें से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। हमें चूज़ करने के बाद में एड्रेस आ जाएगा हमारा। एड्रेस डालने के बाद में हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्लिक करने पर हमें पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी। पर्सनल डिटेल्स में हमें राष्ट्रीयता इंडियन डाल देंगे, हमें होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट, तहसील, गांव, विलेज। अगर हम पूर्व में अदर कंट्री में रह रहे हैं तो या यस होगा, नहीं अन्यथा नो होगा। आप क्या भूतपूर्व सैनिक हैं, तो यहाँ यस हो जाएगा, यदि नहीं है तो नो। क्या आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, तो यहाँ आपका यस हो जाएगा। अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो यह नो हो जाएगा। अगर आपके पास पुलिस से संबंधित विषयों में डिग्री या डिप्लोमा है तो यस या नो। अब हम पर्सनल डिटेल्स भरने के बाद में नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट करने के बाद में क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगता है, हम क्या क्वालिफिकेशन कर रखे हैं, क्या नहीं कर रखे हैं। क्वालिफिकेशन में ये दे रखा है,
इसमें पहले से जो है ना बॉक्स बना रखा है, यहाँ पर हमें इन केस ऑफ एनी डिस्पेंसी, तो यहाँ पर हम इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में अगर हम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो RT पास है तो हम ऊपर आल सब्जेक्ट, कौन क्या सब्जेक्ट ले रखा है, तो अगर हम 10th पास है तो इसमें दो नंबर पर आ जाएंगे, अगर सीनियर सेकेंडरी है तो थर्ड नंबर पर आएगी। अब हम समझते हैं थर्ड नंबर पर आर्ट्स कॉमर्स साइंस, इसमें जिस सब्जेक्ट से है वो सब्जेक्ट डाल सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम, आपने कौन सी बोर्ड से डिग्री ली है, तो उसका हम BScR डाल दिया। अब इसके रोल नंबर डाल देते हैं, हमें तीनों में से एक में डालना है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। परसेंटेज कौन से ईयर में पास की, तो वो ईयर डाल देंगे। कितने परसेंटेज बने वो लास्ट में डाल देंगे। क्या किसी भी बोर्ड लोक सेवा आयोग में अनुमति साधन आदि के इस्तेमाल के लिए आपको प्रतिदिन परीक्षा से बाहर किया, यदि किया हुआ तो यस या नहीं, तो नो, नो ही होगा हमेशा। अब हमने देखो इसके सेकेंडरी है 10th, तो इसमें आल सब्जेक्ट आ गया, BScR आ गई, रोल नंबर आ गए, परसेंटेज आ गए और ईयर आएगी, और यहाँ परसेंटेज लिख दिए। ये करने के बाद में हम जाएंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में जाने के बाद में आइडेंटिफिकेशन लेगा। अब यहाँ आपको दिख रहा है फोटोग्राफ और सिग्नेचर, हम चूज़ फाइल पर जाकर के हम फोटोग्राफ चूज़ कर लेंगे और सिग्नेचर के लिए हम सिग्नेचर ले लेंगे। तो हमने ये चूज़ कर लिया, हमने सिग्नेचर और फोटो केवल 50 KB मैक्सिमम साइज़, 100 KB मिनिमम साइज़, 50 KB और मैक्सिमम साइज़ 100 KB के अंदर ही JPG लेगी, और सिग्नेचर भी 20 KB मिनिमम साइज़ और मैक्सिमम साइज़ 50 KB। हम कोई बॉडी मार्क, ब्लैक मोल्ड एंड फेस डाल दिया, तो हम बॉडी मार्क भी डालना है। यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में अब देखो यहाँ नेक्स्ट किया तो हमें सिग्नेचर तो आ गए, अब फोटो ने फोटोग्राफ नहीं आया। फोटोग्राफ क्यों नहीं आया कि इसमें 50 KB मिनिमम मैक्सिमम साइज़ मांगे, तो हमने 6 KB ही वो फ़ोटो डाल दी, तो वो नहीं लिया। फिर हमें दोबारा उसको अटैच करना पड़ा। अब हमारे पास ये डिटेल आ गई। अब इस डिटेल में आपका भर्ती का नाम आ जाएगा और पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, SSO ID आ जाएगी आपकी और एड्रेस आ जाएगा, आपने क्या एड्रेस डाला है इसमें, मतलब वापस आप जांच कर सकते हैं इसमें कोई कहीं गलती तो नहीं कर दी है, अगर गलती करते तो बैक जाके अपना अपना सुधार कर सकते हैं। हमने शैक्षणिक योग्यता क्या लगाई, सेकेंडरी आगे लगा दी, वो आ गया कितना परसेंटेज है वो लगा दिया।
ये हमारी रेफरेंस नंबर जनरेट हो गई है। एप्लीकेशन फीस आ गई 350, मेरिट स्टेटस आएगा मेरिट, अब हमें यहाँ करना है पे पीस। पे पीस करने के लिए हमें चूज़ करना पड़ेगा कि हम पेमेंट डेबिट कार्ड से काट रहे हैं या नेट बैंकिंग के कार्ड से काट रहे हैं। तो हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए हमें एक दो नेट बैंकिंग दे रखा है और एक दे रखा है एग्रीगेटर। तो हम नेट बैंकिंग पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जाएगी या HDFC बैंक आएगी, हम जो भी जिस बैंक से नेट बैंकिंग ले रखा है तो उसमें चूज़ कर लेंगे। हम ये आगे बढ़ते हैं, हमने एग्रीगेटर में क्लिक किया तो एग्रीगेटर क्लिक में करने के बाद में यहाँ चूज़ करना पड़ेगा कोई सिलेक्ट बैंक, कौन सी बैंक से हम पेमेंट कर रहे हैं। वो करने के बाद में यहाँ वापस और आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो, डेबिट कार्ड से कर रहे हो, नेट बैंकिंग से, तो कार्ड नंबर आ जाएगा, कार्ड होल्डर नेम आ जाएगा। हम तो नेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहे हैं हम अभी। नेट बैंकिंग क्लिक करते ही ये हमें लॉगिन आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। हम लॉगिन आईडी डालेंगे और यूज़र नेम पासवर्ड डालते ही लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में हमारा पेमेंट कट जाएगा और हमारा फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी। हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ और लाएंगे। अगर हमारा अच्छा वीडियो लगा तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट भी करें।